हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीके मौज मस्ती चैनल के मैं पीके श्रीवास्तव आप लोगों को एक नया जो है एजुकेशन फील्ड देखने को मिलेगा दोस्तों। तो करेंट अफेयर जो है ना, जो आप लोगों को ऑल एग्ज़ाम के लिए रिलेटिव क्वेश्चन होते हैं, तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। और मैं बता दूँ दोस्तों, करेंट अफेयर जो है ना आपको इसमें जो है 10 क्वेश्चन के तौर पर दिया गया, जिसमें से 8 नंबर आपको पक्का मिलेगा दोस्तों। और यही 8 ही क्वेश्चन मैं बताऊंगा दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों करेंट अफेयर का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाल ही में, ठीक है, क्या कर रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में होने वाला 101 देश कौन बना है दोस्तों। आपका ऑप्शन दिया जर्मनी, ब्रिटेन, अमरीका, फ्रांस। इसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन चूज करना होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका जी, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर सी होगा इसका, अमेरिका जी। अमेरिका एक ऐसा देश है जिस जो है ना 101 देश जो है ना गठबंधन के तौर पर जो है ना बन के उभरा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत के 72 ग्रेड मास्टर कौन बना है, यानी 72 जो है ना ग्रेड मास्टर कौन बना है दोस्तों। तो हर्षित राजा, और राजा रीति की, इसके बाद संकल्प गुप्ता, त्रिभा गुहा। इसमें से ऑप्शन आप लोग फटाफट कीजिए दोस्तों, साथ में कमेंट भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। और आज का लाइक का टारगेट है दोस्त मात्र 500 लाइक का टारगेट है दोस्तों। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा दोस्तों। और चैनल को, जो भी नया स्टूडेंट चैनल पर आए हुए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है इसका आंसर राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों डी जो है, मित्राभा गुहा जो है ना, इसका जो है ना 72 ग्रेड मास्टर बना है भारत का दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। आज का तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या खड़ा है कि हाल ही में भारत की सबसे धनी महिला कौन है दोस्तों। दोस्तों आपको तो पता होगा कि पुरुष में जो है ना भारत का जो है ना सबसे अमीर यानी सबसे धनी व्यक्ति कौन सा कहलाता है, तो मुकेश अंबानी कहलाता है दोस्तों, सबसे धनी व्यक्ति। लेकिन यहाँ पर महिला की बात हो रहा है दोस्तों, तो महिला में जो है ना दोस्तों सबसे जो है ना धनी जो है कौन सा कहलाता है दोस्तों। तो सबसे धनी जो है महिला में है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर, फाल्गुनी नामार जी। फाल्गुनी नामार जो है ना दोस्तों भारत का जो है ना सबसे महिला जो है ना अमीर व्यक्ति है। तो चलिए आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होता है तो आप लोग जो है ना जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, हाल ही में NDRF के नए प्रमुख कौन बनाए गए, NDRF के जो है दोस्तों नए प्रमुख कौन बनाए गए दोस्तों। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है दोस्तों। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है शीलावर्धन, राजीव मिश्रा, मुकेश कुमार, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जो नेहा चौधरी, वेरी वेरी गुड, आपका आंसर आ रहा है दोस्तों। इसी तरह से आप मेहनत कीजिए, आपका जरूर सफलता मिलेगा दोस्तों जी। राकेश कुमार, बहुत बहुत अच्छा, आप थोड़ा जो है ना कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बंद कीजिए, अब इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है ना शीलावर्धन, ऑप्शन नंबर जो है ना ए शीलावर्धन को जो है ना NDRF के नए प्रमुख बनाए गए हैं दोस्तों। तो आप लोग क्वेश्चन को नोट कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत बहुत NTPC एग्जाम में जो है ना ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, और ये सब की रिलेटिव क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत करता हूँ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि भारत के किस देश की सीमाएँ 3 देशों से क्रमशः कौन कौन, नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है, यानी तीनों देश को जो है ना मिलाती है, यह एक सीमा है। कौन सी सीमा है दोस्तों, और ये सीमा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है क्या दोस्तों, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, त्रिपुरा में है, सिक्किम में कहाँ पर है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आप लोग फटाफट कॉमेंट कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों मैथ रीजनिंग ये सब और करेंट अफेयर CTET का भी जो है ना CDP का भी क्लास मैं देता हूँ दोस्तों, तो कभी कभी आप लोग वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि CTET का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप लोग वो भी क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आपका जो है ना तैयारी बहुत बेहतर रहे। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ना डी, ऑप्शन नंबर डी जो है सिक्किम जी। सिक्किम एक ऐसा राज्य है और वहाँ की सीमा ऐसा है जो नेपाल से भी जुड़ता है, भूटान से भी, और चीन से, तीनों जो है ना देशों के रेखावत जो है ना सीमा ये है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। आज छठा क्वेश्चन
भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान दोस्तों। जी हाँ, सबसे कम वर्षा वाला स्थान इसमें से आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा जगह है और कौन सा स्थान है वो जो भारत में सबसे कम वर्षा होता है, लगभग 10% से भी जो है ना दोस्तों कम वर्षा होता है, 9.8 पॉइंट के रखिए दोस्तों, 9.892 के इतना जो है ना वर्षा वहाँ पर मात्र होता है, यानी 10% भी वर्षा नहीं होता है दोस्तों। तो कौन सा इसका ऑप्शन होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लेह। जी हाँ, लेह जो है ना एक ऐसा स्थान है जो दोस्तों जो है यहाँ पर वर्षा जो है ना बहुत कम होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों, आज का 7वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ना कौन सा है दोस्तों, सबसे बड़ा बंदरगाह आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें इसका आंसर जो है ना आप लोग बताइए फटाफट दोस्तों। इसका देखिए ऑप्शन दिया है तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, मुंबई, कांडला। तो दोस्तों इनमें से ऑप्शन जो है आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा दोस्तों, एक बार कमेंट कीजिए फटाफट। जी रितेश जी बहुत बहुत अच्छा, जी कमलकांत जी बहुत बहुत अच्छा, ये अख्तर खान जी बहुत बहुत अच्छा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ना इसका सही होगा सी, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा मुंबई। जी हाँ, मुंबई जो है ना स्विल्स द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, इसका आंसर जो है ना मुंबई सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8 का, और ये 8 नंबर का जी लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है कि भारतीय राज्य तेलंगाना, जो तेलंगाना राज्य है दोस्तों इंडिया में पड़ता है, भारतीय राज्य तेलंगाना में लोकसभा की कितनी सीट है, यानी लोकसभा की जो है ना दोस्तों टोटल सीट कितनी है, यहाँ पर देखिए 17, 24, 20, 16 टोटल सीट कितनी है वो आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग जो है ये जो 8 क्वेश्चन देखे हैं बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, तो क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा दोस्तों, और अपने कॉपी में जो है ना नोट कर लीजिएगा, ताकि जो है ना आपको आने वाली एग्जाम में बहुत बेहतर तैयारी रहेगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 17, लोकसभा के सीट वहाँ पर तेलंगाना में कितना है दोस्तों 17 सीटों पर जो है ना मतदान होता है दोस्तों। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, पी के मौज मस्ती चैनल की ओर से आप सबको धन्यवाद, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो भी नया स्टूडेंट चैनल पर आए हुए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आप लोग मैथ और रीजनिंग में कमज़ोर है जो भी स्टूडेंट, तो वो भी आप लोगों को जो है ना मिल जाएगा इस चैनल पर पी के मौज मस्ती की ओर से, मैं खुद आप लोगों को मैथ और रीजनिंग लेके आता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग की दुआ से पी के मौज मस्ती के सदस्य की ओर से आपके समस्त परिवार को जय हिंद वंदे मातरम बोलेगा। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, पी के मौज मस्ती चैनल के सदस्य को दे दीजिए इजाज़त, बाकी बात कल फिर मिलेंगे। ओके बाय।